आज मैं पीओ के बारे में दोबारा से बात करना चाह रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है पीओ का। उसमें मैंने आपको खाली एक ही पीओ बना के दिखाया था, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा और पीओ बना के। ठीक है, लॉगिन का प्रोसेस आप जानते ही हैं, कहाँ हमारे पीओ आते हैं, कहाँ पे हमें चेक करना है पीओ के लिए। ये देखिए पीओ आया हुआ है इस टाइम पे। ये तो इस ये पीओ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, दो चार पीओ किसमें खोलते हैं तो आपको पता ही होगा। सो लेट स्टार्ट। इस वाली वीडियो से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पीओ कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, हो सकता है आपको डाउट हो कि एक पीओ से आपको समझ में ना आया हो, तो मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। इसमें हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये अनरीड है, मतलब ये पेंडिंग है, ये हमें करना है। तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं टूल्स अभी। ठीक है, नीचे फाइल अटैच मिलेगी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फाइल अटैच मिलेगी। ठीक है, फाइल को ओपन करेंगे, सेम प्रोसीजर आपको दिख रहा है। यहाँ से कॉपी करेंगे, आरक्यू में जाएंगे, इन्वेंट्री में ओपन करते हैं, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ही यूज़र इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पर परचेज ऑर्डर के न्यू परचेज में जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाया था, बताया था हमें वेंडर रिसीव एट, शिपिंग कॉस्ट और रेफरेंस, ये चार चीज़ों पर फोकस देना होता है। तो वेंडर में हम लोग क्या डालते हैं, योर वायरलेस प्रोडक्ट कॉप, रिसीव एट में क्या डालते हैं हम, स्टोर नेम, जो कि ये रहा। मैंने आपको बताया था कि यूपी कई स्टोर में आपको दिखेगा, आपको उसमें इग्नोर करना है। तो ये आया है फ्रेश मेडोज, तो हम यहाँ पर डालेंगे सीधा सीधा फ्रेश मेडोज। हम FER लिखेंगे, फ्रेश मेडोज आ गया, क्लिक करेंगे, देखेंगे इसमें कोई शिपिंग कॉस्ट तो नहीं है। यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे फ्राइट लिखा होता है, पिछली वीडियो में था, इस वाले में नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे रेफरेंस में, यहाँ पे पेस्ट मारेंगे इनवॉइस नंबर को। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें ये दिया होता है डायरेक्ट शिपमेंट ऑर्डर नंबर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेस स्लैश स्पेस DS लिख के वो नंबर उसके आगे पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सर्च बार है, यहाँ जाएंगे, ये आइटम लिखेंगे। ठीक है, इस आइटम को यहाँ करके एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे क्या आना है, आइटम आ गया। तो आइटम का मैं चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्शन, ये ज़ोमैटो 2 मल्टी फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेम है, क्वान्टिटी हम लोग चेक कर लेंगे 20 है। क्वांटिटी चेक करने के बाद हम लोग लास्ट में जाएंगे, इसका जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है ये देखेंगे कितना है, $60। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, $60। अगर इसमें फ्राइट होता तो यहाँ पे हमें इसको सम करना पड़ता, पर इसमें फ्राइट नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ पे सम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम कमिट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया PO। अब हमें ये PO का नंबर पेश करना होता, तो यहाँ से हम लोग इनवॉइस नंबर कॉपी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेश करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको ये नंबर मिल रहा है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद रिप्लाई ऑल करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई ऑल करेंगे। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई ऑल पे क्लिक करना है, उसको सेंड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं पीओ, इसको खोलेंगे। अब इसमें देखिए फ्राइट नज़र आ रहा है, पहले नॉर्मल जो हमें करते हैं, न्यू परचेज ऑर्डर पर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग योर वायरलेस सेलेक्ट कर लेंगे। ये वायरलेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टोर नेम क्या है, हे मार्केट है, तो यहाँ पे HAY लिखेंगे, खाली इनिशियल कुछ अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो ही आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्राइट दे रखा है, तो ये कितना है, 3, तो शिपिंग कॉस्ट में यहाँ पे फ्राइट डाल देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट शिपमेंट ऑर्डर नंबर भी दे रखा है, तो जहाँ पे डायरेक्ट शिपमेंट ऑर्डर नंबर दे रखा होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस स्लैश स्पेस DS, मतलब डायरेक्ट शिपमेंट, फिर स्पेस के बाद वो नंबर डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम सर्च में आते हैं, जो आइटम है इसको कॉपी करके यहाँ डालते हैं, एंटर मारेंगे। एंटर मारने का उसका डिस्क्रिप्शन है, एप्पल आईफोन 12 64 GB पर्पल। ठीक है, मैच हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी 3 करेंगे, अमाउंट 815 का 815, टोटल क्या हो रहा है 2445। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2445 हो रहा है। अब हम लोग लास्ट में जाएंगे, इसको देखेंगे कितना हो रहा है, 2448। तो हमारा यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 45, पर 3 रुपये ये फ्राइट का है, वहाँ पे ऐड होके आता है, पर यहाँ पे ऐड नहीं होता है, वो हमें सम करके ऐड करना पड़ता है, मतलब खुद क्या वो सम करना पड़ता है। तो 2445 प्लस 3 कितना हुआ, 2448,
तो हमारा मतलब ये पीओ सही है, अगर अमाउंट मैच कर रहा है तो पीओ सही है। यहाँ पे इसे कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद वहाँ पे जाएंगे और नंबर कॉपी करेंगे, नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे कॉपी करके रिप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करके सेंड कर देंगे। और दिखा देता हूँ मैं आपको, कोई बड़ा सा नहीं आ रहा है, कोई बड़ा सा आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ एक। हाँ अभी देखिए इसमें तीन चार आइटम है, पहले वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो करते हैं परचेज, उसमें जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे योर वायरलेस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्या है स्टोर नेम है हे मार्केट, तो यहाँ पे एच ए वाई हे लिखेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद इसमें फ्राइड दे रखा है, हाँ दे रखा है कितना छः, तो यहाँ पे छः फ्राइड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट शिपमेंट ऑर्डर नंबर भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, उसको कॉपी करेंगे स्पेस स्लैश स्पेस डी एस डायरेक्ट शिपमेंट, डी एस का मतलब होता है डायरेक्ट शिपमेंट, और उसके बाद स्पेस देके वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर मार देंगे, ऐड भी कर सकते हैं एंटर भी मार सकते हैं, अमाउंट देखेंगे 11-15, यहाँ पे भी क्या है 11-15, ठीक है। फिर दूसरा कॉपी करेंगे, दूसरा कॉपी करेंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद दूसरे में क्वांटिटी कितनी है 2, तो क्वांटिटी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद प्राइस कितना है 1115, और टोटल में कितना है इन दोनों का 2230, तो 1115 पर यूनिट और 2230 इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे ये जो अमाउंट दिखाता है ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट का मल्टीप्लाई होकर दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ तीसरा लेंगे, इसको भी पेस्ट मारेंगे और डिस्क्रिप्शन सबका मैच करते चलेंगे। यहाँ पे मैंने देख लिया है ये ग्रेफाइट पैसिफिक ब्लू और ये सिल्वर है सेम उसमें, तो ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ पे अमाउंट है 1215, दो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी पे दो कर देंगे, 1215 को 1215 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ये गोल्ड है 128 में, एक क्वांटिटी है 1015 का, एक क्वांटिटी 1015 का है, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया, अब यहाँ पे कितना अमाउंट है मैच करेंगे, ये आ रहा है 6796, हमारा आ रहा है 6790 और प्लस 6 कितना हुआ 96, तो क्या हो गया ये हमारा अमाउंट यहाँ पे मैच कर रहा है टोटल से, तो हमारा क्या है ये पीओ सही है। तो इसे यहाँ पे कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट मारेंगे और ये यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर, पीओ का नंबर मतलब होता है परचेज ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, और जो ये हमें नंबर मिलता है ये परचेज ऑर्डर नंबर होता है, तो इसको सेंड कर देंगे। तो अब इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और देख लीजिए, देखता हूँ इस पीओ में अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक प्रॉब्लम जो शायद आमतौर पर आती है, ठीक है। पहले वही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोसेस फॉलो करने के बाद यहाँ पे वेंडर में सेलेक्ट करेंगे, योर वायरलेस रिसीव एट में ये मैकलिन है, तो यहाँ पे MC लिखेंगे तो मैकलिन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें फ्राइट है $3 का, तो यहाँ पे फ्राइट डाल देंगे और उसके बाद रेफरेंस में इनवॉइस नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट शिपमेंट नंबर है तो क्या करेंगे ऐसे, यहाँ देखिएगा DS कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होगा ना आपको SISQ भी मिल सकता है, ये इसको SQ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये नीचे दिख रहा है नीचे SISQ, कभी कभी क्या होगा SISQ क्या होगा यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा, तो आपको यही करना है कि /D जो इसके आगे लगा हुआ है वो इसमें लगाना है, ठीक है। दोनों का अमाउंट चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, 855 853, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, इसका टोटल अमाउंट 2885 प्लस 3 कितना हो गया 2888, ध्यान रखिएगा ये टोटल जरूर मैच करना है और शिपिंग कॉस्ट छूटनी नहीं चाहिए, ये टोटल ये वाला जो टोटल है ये मैच करना चाहिए हमारा वहाँ पे, ठीक है, और क्वांटिटी मैच करनी चाहिए। और इसका एरर जो मैं बता रहा था, कभी कभी ये होता है कि इसमें ये जो -D लगा है ना ये लगा नहीं होगा किसी SQ में, और जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो ऐड नहीं होगा, आपको एरर दिखाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि करने के बाद -D लगाना है, फिर उसके बाद ऐड करना है तो आपका ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ इश्यूज आते रहेंगे, जो भी आपको इशू आते हैं एक जगह लिख लीजिए, उसके बाद एक बारी में व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं उसका एक रेजोल्यूशन वीडियो दोबारा से बना दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद उसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी करके क्या करेंगे यहाँ डालेंगे, यहाँ डालने के बाद यहाँ से परचेज ऑर्डर नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिप्लाई ऑल पे करके सेंड कर देंगे, ठीक है।